जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो ये राजस्थान 5 वर्ष में कहां पहुंच गया? भ्रष्टाचार में नंबर 1, दंगों में और अराजकता में नंबर 1। मुझे देख के आश्चर्य होता था, मुझे आश्चर्य होता था जब मैं देख रहा था यहां पे जोधपुर में। मुझे आज से 2 वर्ष पहले वो दिन याद है जब यहां जोधपुर की सड़कों पर नंगी तलवारें लहरा रही थी और दंगाई दंगा कर रहे थे। तब मुझे भाइयों बहनों याद आ रहा था, मैं सोच रहा था कि अगर ये दंगाई यूपी में होते तो मेरा बुलडोजर इनको रौंद करके अब तक ठीक कर दिया होता। अब आश्चर्य करेंगे किस प्रकार का नंग तांडव था। ये यही जोधपुर के अंदर ही हम देख रहे थे और सरकार मौन थी। ये वोट बैंक के नाम पर यह अराजकता फैलाने की चोट कब तक होगी? और यही कहने के लिए आज भाइयों बहनों मैं आपके पास आया हूं कि राजस्थान में मौजूदा सरकार, भाइयों बहनों, ये सुरक्षा भी नहीं दे सकती, ये सम्मान भी नहीं दे सकती, गरीबों का कल्याण भी नहीं कर सकती, विकास की योजनाओं को भी लागू नहीं कर सकती और आपकी आस्था को भी सम्मान नहीं दे सकती। रामनवमी में यहां की सरकार रोक लगाती है। मैं जिस जिले में जाता हूं वहां पे किसी न किसी संत की हत्या हो चुकी होती है। इससे पहले पूज्य संतगण मिलते हैं कि बात कहते हैं कि यहां हमारे एक संत की 2 महीने पहले 6 महीने पहले 1 वर्ष पहले उपद्रवियों ने हत्या कर दी। सरकार कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं। किसी भी जिले में जाओ, भरतपुर में, अलवर में, जोधपुर में, किसी भी जिले में जाओ, हर जिले में भाइयों बहनों ये सुनाई देता है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कि सरकार कर्फ्यू वाली सरकार है, दंगों वाली सरकार है। भाइयों बहनों ये माफियागिरी जो पनप रही है, जो अराजकता पनप रही है, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए पेपर लीक की घटनाएं लगातार राजस्थान के अंदर हो रही हैं, कुछ तो दाल में काला है। सर सर आज योगी जी आए थे आपकी विधानसभा में, कितने लोग थे? तो फिर सर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हो तो आज ही इनकी दुर्गति हो गई है कि 2000-5000 के लोग आज फिर रहे हैं, जनता साथ दे नहीं रही है, जनता साथ नहीं दे रही लोगों का, इनकी मीटिंग फेल हो रही है। ऊपर नीचे तक मीटिंग फेल हो रही है।